महादेव, जय श्री महाकाल, जय माँ तारा। मैं हूँ तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की परिस्थिति में जिंदगी इतनी भागदौड़ के हो गई है जो कि हर मनुष्य का खान पान, दिनचर्या, रहन सहन सारे कुछ बदल गया है। आज हर मनुष्य के अंदर में कोई ना कोई रोग और बीमारी परेशान कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर परेशानी क्या हो रहा है कि हाई बीपी और उसके साथ साथ में कोलेस्ट्रॉल के मात्रा शरीर में ज़्यादा बढ़ने के कारण हार्ट अटैक जैसी खतरा मंडरा रहा है। हर लोग प्रत्येक दिन कोई ना कोई पेशेंट देखिएगा कि हार्ट अटैक हो गया है, जिससे उनको हानि होता है, प्राण हानि का भी योग तेजी से हो रहा है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दालचीनी और शहद के द्वारा आप हार्ट अटैक जैसी खतरा को कैसे रोक सकते हैं। शहद और आपका दालचीनी दोनों का क्या फायदा है, दालचीनी खाने से आपको क्या फायदा हो सकता है, इसे कैसे खाया जा सकता है, कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे या मेरे वीडियो में पहली बार आए होंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके काला कर दे और बगल में बेल घंटी को भी जरूर प्रेस कर दे ताकि सर्वप्रथम आप मेरे वीडियो को देख सके। तो आइए, शहद और दालचीनी के फायदे क्या है मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपको दम्मा का बीमारी है, सांस लेने में आपको हमेशा दिक्कत होता है, सांस फूलने का बीमारी है, अगर आपको हार्ट में किसी भी तरह का कोलेस्ट्रॉल जम चुका है जिसके कारण हार्ट पेन होता है, धड़कन बढ़ता है, तो इसको कैसे निदान कर सकते हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, 100 ग्राम दालचीनी लीजिएगा, उस दालचीनी को मिक्सी में या किसी भी चीज़ में खल में कूट करके उसको पाउडर बना लीजिएगा। 100 ग्राम दालचीनी को पाउडर बनाने के बाद आप 5 लीटर पानी में उसको खौलाइएगा, मतलब कि गर्म पानी में उसको खौलने के लिए दीजिएगा। जब उस दालचीनी को उसमें घोर करके आप खौलाइएगा, खौलते खौलते जब पानी पूरी तरह से सूख जाएगा तो उस दालचीनी को एक किसी भी बर्तन में, अच्छा शुद्ध बर्तन लीजिएगा, तांबे का बर्तन हो या चांदी का बर्तन हो, उस शुद्ध बर्तन में आप उसको रख लीजिएगा और उसमें क्या करिएगा, 100 ग्राम शहद, जिसको इंग्लिश में हम लोग हनी कहते हैं, तो 100 ग्राम शहद को उसके साथ में मिला करके आपको रख देना है। अब प्रत्येक दिन सुबह में सुसुम गर्म पानी के साथ आप एक चम्मच करके प्रत्येक दिन इसको खाने का खाइएगा, तो उसको सेवन करने से ही आपका देखिएगा दिन प्रतिदिन कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटेगी, हार्ट से संबंधित जो आपको धड़कन बढ़ता था, हार्ट पेन होता है, वो सारे कुछ बंद हो जाएगा। यहाँ तक कि आप सुने होंगे किसी भी छोटे बच्चे, उसकी हार्ट में होल हो गया, छेदा हो गया, जिसके कारण हमेशा सर्दी जुकाम होता है, तो इसको देने से भी उसका हार्ट का छेदा भी बंद हो जाएगा। पुराना से पुराना अस्थमा बीमारी अगर आपका है उसमें भी बहुत ही लाभदायक होगा और कारगर सिद्ध होगा। साथ साथ में अगर आप इसके साथ में आप अगर हार्ट को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आप कुछ अर्जुन का छाल, अर्जुन का जो पेड़ होता है उसकी पेड़ का छाल को जो है आप सुखा लीजिएगा और सुखाने के बाद उसको भी डस्ट करके 100 ग्राम अर्जुन का छाल, 100 ग्राम दालचीनी, ये दोनों को मिक्स करके खल में या मिक्सी में पाउडर बना लीजिएगा। उसको भी वही प्रोसेस गर्म पानी में खौला करके 5 लीटर पानी में आपको पूरी तरह से पानी को सुखा देना है और उसको जो है शहद में मिला करके वो एक पेस्ट टाइप का, एक हलवा टाइप का हो जाएगा। उसको आप किसी भी अच्छे बर्तन में, तांबा का या चांदी का बर्तन में रख करके प्रत्येक दिन अगर एक चम्मच उसको सुबह सुबह खाली पेट अगर लेते हैं तो आपको हार्ट में मजबूती होगी, आपका हार्ट से कोलेस्ट्रॉल का बीमारी जो है वो खत्म हो जाएगा और साथ साथ में आपको अस्थमा जैसा बीमारी, पुराना अस्थमा बीमारी, ये सारे चीज़ का आपको फायदा होगा। लेकिन उसे अगर आपको दूध के साथ में अगर आप मिला के लेते हैं तो आपका अंदरूनी शक्ति, जो आपको पुरुषत्व का बल होता है, जो शक्ति होता है, यौवन शक्ति, उसको मजबूती की ओर ले जाएगा और आप अंदर से बहुत ही मजबूत और जो है
समझिएगा ये इसको करने से। लेकिन अगर आपका हमेशा सर्दी खांसी जुकाम भी अगर होता है तो आप ग्रीन टी के साथ में यानी लाल चाय के साथ में भी आप उसे दालचीनी को एक चम्मच उसमें दे करके आप पी सकते हैं। तो जिससे क्या होगा कि आपका शरीर का एंटीडोज की मात्रा मजबूत होगा, प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगा, ताकि आपके हर प्रकार की जो मौसम है मौसम के अनुसार क्या होता है कि आपके बॉडी में तरह तरह का बीमारी होने लगता है तो उसको भी उसमें जो है कि समाप्त होगा। इसको आप जरूर आजमाइएगा। ये जो चीज है ये नया तरीका आपके बीच में मैं आयुर्वेदिक माध्यम से दे रहा हूं, इसे आप प्रयोग कीजिए, क्योंकि आयुर्वेदिक और तंत्र दोनों एक साथ जुड़ा हुआ चीज है। हम लोग तांत्रिक है लेकिन आयुर्वेद को भी हम लोग इसके साथ जोड़ के इसका प्रयोग करते हैं। अब बहुत ही लाभदायक और बहुत ही कारगर साबित होता है, इसे आप जरूर प्रयोग कीजिए। माता रानी की कृपा से आपका हर प्रकार की बीमारी समस्या का समाधान होगा। यही मैं मंगल कामना के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय माता रा। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।